रमा को उसके कॉलेज के सामने उतार कर खान खुद भी थोड़ी दूर जाकर रक्शे से उतर गया। अब उसे नई दिल्ली की तरफ जाने वाली बस का इंतजार था, जो जल्द ही उसे मिल गई। रिसर्च सेंटर के नजदीक ही एक स्टॉप पर वो उतर गया। आज उसका हुलिया बिल्कुल सरकारी मुलाजिमों वाला था। रिसर्च सेंटर के नजदीक उसने तीन ऐसे मकाम ताक लिए थे जहाँ से वो इमारत पर अच्छी तरह नजर रख सकता था। सामने सड़क पार इमारत के दरवाजे से जरा हटकर एक छोटा सा चाय का होटल बना हुआ था, जहाँ अमूमन इन दफातर के मुलाजमीन ही आते जाते थे। ये होटल उमूमन गाहकों से भरा ही रहता था। अगर दफातर के मुलाजमीन न होते तो उनके गाहक यहाँ मौजूद रहते थे। उस इलाके में ज्यादातर दफातर जानबूझकर ऐसे रखे गए थे जिनसे सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही का वास्ता पड़ता था। इस तरह यहाँ आम सिविलियन को आने का कम ही मौका मिलता था। ज्यादातर लोग वही यहाँ आते थे जो एक तरह से सरकारी मुलाजमीन थे या फिर यहाँ के मुलाजमीन के रिश्तेदार वगैरह। यहाँ पहुँचने से पहले खान ने एक शानदार कवर स्टोरी अपने जहन में तैयार कर रखी थी। वो एक सरकारी मुलाजिम था और अपना तबादला रुकवाने के चक्कर में उस तरफ आया था। होटल की एक मेज पर बैठकर उसने चाय का ऑर्डर दिया। उसकी आंखों के बिल्कुल सामने रिसर्च सेंटर का दरवाजा नजर आ रहा था, जिसमें कारों की आमदोरफ्त आज मामूल से कुछ ज्यादा ही थी। उसका दिल यहाँ से उठकर कहीं जाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक यहाँ एक ही जगह बैठकर वो किसी को शक में मुब्तला करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। उसने किसी मतलूबा साथी की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई तो जल्द ही गौहर मकसूद हाथ आ गया, जब एक ढलती उम्र का और गंजा हिंदू उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बराजमान हो गया। क्षमा कीजिए, उसने बजाहिर अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। लाले ने उसकी आंखों में झांका और खान वाकई परेशान नजर आने लगा। महाराज जी, बात ही कुछ ऐसी है। गंजे लाले ने बड़ी मक्कारी से दांत निकाल दिए। फरमाइए, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। थोड़ी देर बाद ही दोनों बाहम शीरो शक्कर हो चुके थे। खान ने उसे बताया था कि उसका साला राजस्थान में कहीं सिक्योरिटी का हवालदार है और उसका तबादला दिल्ली में हो रहा है। वो ये तबादला रुकवाने के चक्कर में उधर आया था। गंजे हिंदू ने उसे यकीन दिला दिया था कि रूए जमीन पर कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल उसके पास मौजूद न हो। इस दौरान वो मजे ले लेकर खान को अपने कारनामे सुनाता रहा और खान रिसर्च सेंटर के गेट पर नजरें जमाए सुनता रहा। लाले ने उसे कल इसी जगह मिलने को कहा और ये भी बता दिया कि 500 रुपए में ही काम हो जाएगा। दोपहर का खाना भी उसने खान की गिराही से खाया और अब वो कल मिलने का वादा करके वापस जा रहा था। लाले की मैयत में उसका वक्त खूब कटा था। उसकी रवानगी के बाद वो खुद भी वहाँ से उठने के लिए परतोल रहा था, जब अचानक ही वो ठिठक कर रुक गया। उसने स्याह रंग की मर्सिडीज को गेट से बरामद होते देखा था, जिसमें मल्होत्रा की मौजूदगी जरूरी थी। शायद वो इस अहम मीटिंग से फारिग होकर अब घर जा रहा था या फिर सरकारी काम से। खान ने फौरन बिल अदा किया और उठ खड़ा हुआ। उसके कदम बड़ी तेजी से नजदीकी टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे। मर्सिडीज बड़ी आहिस्ता रफ्तार से चल रही थी, शायद ट्रैफिक की वजह से या फिर यहाँ बगली सड़कों पर कार कम रफ्तार से चलाने का कानून था। उसकी नजरें सड़क पर रंगीन स्याह मर्सिडीज पर लगी थी और कदम तेज रफ्तारी से स्टैंड की तरफ लपक रहे थे। जैसे ही कार ने पहली गली का मोड़ मुड़ना चाहा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गली में से बरामद होती एक तेज रफ्तार जीप मल्होत्रा की गाड़ी से टकरा गई थी। ड्राइवर इस अचानक उफ्ताद से बौखला गया और गाड़ी उसके कंट्रोल से निकल कर सामने वाली दीवार से जा टकराई। अभी छुट्टी नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ कुछ ज्यादा रश नहीं था। सामने वाली जीप गाड़ी के बिल्कुल ऊपर चढ़ाई थी। ड्राइवर के जिंदा बच रहने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। उस लम्हे खान का खिजर सूरत इंस्ट्रक्टर उसके सामने खड़ा था और ट्रेनिंग स्कूल के क्लासरूम में वो दोनों मसरूफ गुफ्तगू थे। बसाओकात कुदरत इंसान की मदद करती है और बेहतरीन जासूस वो है जो किसी भी कमजोर लम्हे से फायदा उठाए फौरन, वरना याद रखो खुशकिस्मती तुम्हारे नजदीक से दबे पांव गुजर जाएगी और तुम मुंह देखते रह जाओगे। बिजली के कौंदे की तरह एक ख्याल उसके जहन में लपका। वो महज चंद सेकंड में जाए हादसा पर पहुंच चुका था। वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी नजरें पिछली सीट पर बेहोश हुए कर्नल मल्होत्रा पर जमी थीं, जिसके पहलू से एक ब्रीफकेस लगा हुआ था। दरवाजा खोलने के लिए उसे बड़ी जोर आजमाई करनी पड़ी थी, क्योंकि अचानक लगने वाले झटके ने शायद दरवाजे को लॉक कर दिया था। उसके ब्रीफकेस बाहर निकालने तक वहाँ तीन चार और आदमी भी पहुँच चुके थे। खान ने ब्रीफकेस इस अंदाज से पकड़ रखा था जैसे वही उसका मालिक हो। लोगों का एक हुजूम वहाँ इकट्ठा होने लगा था। फिर लोग तो मल्होत्रा के बेहोश जिस्म को खींच कर बाहर निकालने लगे। खान उन्हें मसरूफ कार छोड़कर आगे निकल गया। तीन चार गलियां घूमने के बाद वो एक टैक्सी ढूंढने में कामयाब हो गया। इस टैक्सी के बाद उसने अपने पहले से मुकर्रर करदा ठिकाने तक पहुंचने के लिए तीन और टैक्सियां बदली थीं। ये कुदरत का करिश्मा था या फिर ताईद-ए-गैबी कि इस तरह अचानक ही
की उसका मकसूद पके हुए फल की तरह उसकी झोली में आन गिरा था। इस तरह अचानक होने वाली कामयाबी पर एहसास तशक्कुर से उसका दिल भर आया था। उसे आज यकीन हो चला था कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले कभी तन्हा नहीं हुए। आरजू नाम के इस दूसरे दर्जे के होटल को उसने अगले ही रोज इस मकसद के लिए ताड़ा था। काउंटर पर दो रोज का किराया जमा करवा कर उसने एक कमरे का रुख किया और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी जेब में मौजूद एक चाबियों के गुच्छे की मदद से ब्रीफकेस खोलने में कामयाब हो गया। इस ब्रीफकेस में टाइप शुदा कागजात का एक पलंदा रखा था। ये उस मीटिंग की शायद मुकम्मल कार्रवाई थी जो आज ही वहाँ अंजाम पाई थी और उसे पढ़कर अपनी खसूसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए मल्होत्रा उसे घर ले जा रहा था। खान ने एक सरसरी नजर कागजात पर डाली। हर टाइप शुदा कागज के कोने पर टॉप सीक्रेट की सुर्ख मोहर लगी थी। उसकी नजरें एक पैराग्राफ पर अटक कर रह गईं। भारत में बनने वाली ताजा इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तरफ से मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग करने की साजिश की तफसीलात लिखी गई थी। ये एक मंसूबा था जिस पर भारत सरकार एक लंबी मुद्दत से अमल पैरा थी। अब इस मंसूबे के असरात जाहिर होने लगे थे और उस मीटिंग में ये तय पाया था कि मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की घिनौनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए वहाँ मुक्ति बाहिनी के नाम से मकामी गद्दारों की मदद से एक बाकायदा फौज तश्कील दी जाए और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया जाए। जूं जूं वो पढ़ता जा रहा था उसकी आंखें फैलती जा रही थी। दुश्मन इतनी कमीनगी पर भी उतर सकता है, उसने सोचा और हैरान रह गया कि भारत किस ढिटाई से अपने गैर जानिबदार होने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि असलियत कुछ और थी। तस्वीर का दूसरा रुख उसके तसव्वुर से भी ज्यादा भयानक था। उसका जी चाह था उड़कर उन कागजात समेत वतन पहुंच जाए और अपने लोगों को चीख चीख कर बता दे कि दुश्मन क्या चाल चलने वाला है। लेकिन हर खेल के अपने कुछ उसूल होते हैं। जासूसी जज्बात का खेल नहीं था, उसे अक्ल से ज्यादा और दिल से कम काम लेना था। ब्रीफकेस से कागज निकाल कर उसने तह करके ये इस तरह अपने कपड़ों में महफूज कर लिए थे कि अब वो उसके जिस्म का ही हिस्सा बनकर रह गए। ब्रीफकेस हाथ में उठाए वो बाहर निकल आया। कमरे को ताला लगाकर उसने चाबी काउंटर पर जमा करवा दी थी। उसका रुख उस होटल की पुश्त पर कुछ फासले पर मौजूद उस बरसाती नाले की तरफ था जहाँ बरसात के दिनों के अलावा भी हर वक्त पानी जमा रहता था। नाले पर जाबजा लकड़ी के पुल बनाए गए थे। एक कदरे वीरान पुल से गुजरते हुए उसने उस ब्रीफकेस को जिसमें अब कागजात की बजाय पत्थर भरे हुए थे नाले में फेंक दिया और खुद पैदल चलता नाला उबूर करके दूसरी तरफ पहुंच गया। बाजारों में ज्यादा घूमना उसने मुनासिब न समझा। उसका रुख एक सरकारी टेलीफोन ऑफिस की तरफ था जहां एक क्लर्क के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए उसने तकरीबन रोकर क्लर्क से इल्तिजा की कि वो उससे डबल फीस लेकर खटमंडू का एक टेलीफोन नंबर मिला दे। उसने अपने जीजा जी को दीदी की मृत्यु की खबर देनी है। कुछ तो उसके आंसुओं ही से बेचारे क्लर्क बाबू का दिल पसीज गया और रही सही कसर 5 के नोट ने पूरी कर दी। क्लर्क ने अगले क्लर्क से बात की और सरकारी फीस से 10 रुपए ज्यादा अदा करने के इवज बमुश्किल 15-20 मिनट बाद ही वो नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में अपने जीजा जी से गुफ्तगू कर रहा था। उसने रोते हुए जीजा जी को दीदी की मृत्यु की इत्तला दी और अपने होटल का एड्रेस भी बता दिया। दूसरी तरफ से उसके जीजा जी ने इजहार अफसोस करते हुए उसे आज रात के आखिरी शो पर रियल 2 सिनेमा में मुलाकात का वक्त दे दिया। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद सिलसिला मुनक़ते हो गया। खान वापस होटल आ गया। आखिरी शो तक का वक्त उसने होटल के कमरे में ही गुजारा। बाजार से एक पॉलीथिन का थैला खरीद कर उसने कागजात को बड़े सलीके से उसमें पैक किया और आखिरी शो शुरू होने से कुछ ही देर पहले रियल 2 सिनेमा में पहुंच गया। मुकर्रा वक्त पर अचानक ही एक कोने से ज्ञान सिंह नमूदार हुआ। क्योंकि चंद रोज पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी, फिर ये मुलाकात भी तो उसके जहन पर नक्श हो चुकी थी। उसे एक मखसूस इशारा करते हुए ज्ञान सिंह आगे बढ़ गया। उसका रुख टिकट फरोख्त करने वाली खिड़की की तरफ था। फिल्म कोई खास रश नहीं ले रही थी, शायद कोई पुरानी फिल्म थी। खान ने तो उसका नाम पढ़ने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। जैसे ही ज्ञान सिंह टिकट लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, खान उसके ताकुब में लपका। थोड़ी देर बाद दोनों एक बॉक्स में जो सिर्फ 2 सीटों पर मुश्तमिल था बैठे थे। दोनों ने अभी तक रस्मन एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने के अलावा और कोई बात नहीं की थी। मेरा ख्याल है तुम अपनी अमानत अब ले ही जाओ, खान ने फिल्म शुरू होने के बमुश्किल 10 मिनट बाद ही कहा। हाँ हाँ, ज्ञान सिंह शायद किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। खान ने पॉलीथिन लिफाफे में लिपटे कागजात उसे थमा दिए। उसमें उसका जाती पैगाम भी शामिल था। उसे इल्म था अगले रोज तक बहर सूरत ये कागजात उसके मुल्क में पहुंच जाएंगे। ज्ञान सिंह ने कागजात वसूल करने के बाद जल्द ही उन्हें अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया था। चंद मिनट मजीद उसके साथ गुजारने के बाद उसने खान के कंधे पर हाथ रख कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये उसकी रवानगी का इशारा था।
खान ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। फी अमानिल्लाह, ज्ञान सिंह ने उसके कान में सरगोशी की और दबे कदमों बाहर निकल आया। फी अमानिल्लाह। खान ने भी खुदा से उसकी सलामती की दुआ की। उसने पलट कर भी उधर नहीं देखा था। ज्ञान सिंह की रवानगी के बमुश्किल 15 मिनट बाद वो भी उसी तरह बाहर निकल आया और सिनेमा से करीबन 2.5 मील दूर जाकर उसने घर जाने के लिए रिक्शा पकड़ा। होटल में अब उसका कोई काम बाकी नहीं रहा था। एहतियातन उसने एक टेलीफोन बूथ से होटल फोन कर दिया कि आज रात किसी काम से बाहर जा रहा है, इसलिए नहीं आ सकेगा। उसने काउंटर पर भी बता दिया था कि अगर उसके मुताल्लिक कोई फोन आए तो वो नोट कर लिया जाए। वो नहीं चाहता था कि अफरा तफरी में कोई भी मुश्तबा कदम उठाए। होटल को फोन करने के 10-15 मिनट बाद उसने एहतियातन आवाज बदल कर अपने लिए किसी मदन लाल की तरफ से एक तिजारती सा पैगाम भी लिखवा दिया था। रक्षा उसने हसबे साबिक घर से 2-3 फरलांग दूर ही छोड़ दिया था और अब पैदल घर की तरफ जा रहा था। एन उन लम्हात में जब वो घर दाखिल हो रहा था, उसने रजनी को गेट से बरामद होते देखा। ये उसके लिए कोई अनहोनी बात नहीं थी। वो जानता था कि रजनी ने अगर न भी आना होता तो भी वो उसके मुतालिक जानने के लिए जरूर आती। लेकिन उसके साथ ही उसे ये भी मालूम था कि जगन्नाथ सुहाय कोई बच्चा नहीं, मंझा हुआ रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम था, और ये भी कि वो खान जैसी सोने की चिड़िया के मुतालिक किसी को गलत लाइन पर सोचने का मौका भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। यूं भी खान ने एहतियातन सुहाय और उसके घर वालों को अपने मुतालिक इस्तफसार करने वालों को मुतमईन करने के लिए जो कहानी बताई थी, उन लोगों के लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं रह गया था कि वो यही कहानी हर किसी को सुनाते, वरना उनसे मुतालिक भी तो बड़ी घटिया किस्म की अफवाहें लोग फैला सकते थे। हेलो, खान अचानक ही रजनी के सामने आ गया था। अरे आप महाशय जी, आप कहाँ मटर गश्त कर रहे हैं? मैं तो आप ही के दर्शन करने आई थी। हायरी किस्मत, तूने भी मुझे आज ही घर से गायब करना था। खान की बात पर रजनी ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। नहीं महाशय जी, ऐसी भी कोई बात नहीं, अभी मैं 8 रोज यही हूँ, आपको रोजाना बोर क्या करूँगी, और यूँ भी मैं रमा की एक ही बचपन की दोस्त हूँ और हम दोनों में इतनी दोस्ती है कि हम हर चीज बांट कर खाती है। रजनी सिर्फ बेबाक सी हिंदू लड़की ही नहीं थी, पुलिस की तरबियत याफ्ता भी थी, और उससे खान को ऐसे ही किसी जवाब की तवक्को थी। खान ने कहा, तब तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि आपकी रवानगी तक अरुण कुमार नाम का एक शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं होगा। रजनी बोली, भगवान न करे। अच्छा, आज्ञा दीजिए, हमें किसी ने छुप कर देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। दोनों ने कहकहा लगाया। खान के आगे बढ़े हाथ पर जोर से हाथ मारकर और बाय कहकर हंसती हुई रजनी पड़ गई। घंटी बजाने पर किशोर दरवाजा खोलने बाहर आ गया और उसके ताकुब में आशा भी भागती चली आई। हाय भैया, दोनों ने उसे देखते ही नारा लगाया। मैंने तो अभी तक खाना नहीं खाया, मेरा मन कहता था आप जरूर आएंगे, लेकिन इस मोटी ने खा लिया। किशोर ने आशा की तरफ इशारा करते हुए अपने नंबर बनाए। खान मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। घर के बाकी लोग टीवी के सामने बैठे थे। सुशील अपने दोनों बच्चों समेत आई हुई थी, क्योंकि अगले रोज इतवार की छुट्टी थी और वो सब लोग ये वक्त मिलजुल कर अरुण कुमार जी के साथ बसर करना चाहते थे। मिसेस सुहाय ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, कहाँ चले गए थे इतनी देर? खान ने कहा, माता जी बात यह है कि मुझे दरअसल आपका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं वो कोई आसमान की मखलूक तो नहीं। बस माता जी, आप देख लेना, चंद महीनों की बात है, फिर अपना बंगला होगा, कार होगी और क्या होगा। रमा ने कमरे में दाखिल होते हुए मदाखलत की। वो बड़ी शिकायत भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। जानते हैं रजनी ने कितना इंतजार किया है आपका, अभी गई है। खान ने कहा, सॉरी, कान पकड़ता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। खान ने बाकायदा कान पकड़ लिए। खाना उसने रमा और किशोर के साथ खाया। आज वो खुद को बहुत हल्का फुल्का और पुरसकून महसूस कर रहा था। इस तरह अचानक कुदरत ने कामयाबी जो उसका मुकद्दर कर दी थी। उसने गो के अपने जहन में मल्होत्रा के घर में घुसकर ब्रीफकेस उड़ाने के 2-3 मुतबादिल मंसूबे बना रखे थे, लेकिन कुदरत को शायद उस पर जल्द ही रहम आ गया था। खान जानता था कि मल्होत्रा का ब्रीफकेस गायब होने पर भारतीय सिक्योरिटी के ऐवानों में जलजला आ गया होगा और वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह उसकी बू सूंघते फिर रहे होंगे, और इस बात का एहसास उसके अलावा उसके अफसरान को भी तो था जो सुबह उसे अगले अहकामात भेजने वाले थे। लेकिन किस तरह, उसे इसका भी इल्म नहीं था। सिर्फ उसने उन्हें अपने दिल्ली के सेफ हाउस की इत्तला पहुँचा दी थी और वो जानता था कि उसके दूसरे सरगर्म अमल साथी पहले ही उसकी हिफाजत से बेखबर नहीं रहे होंगे। जल्द ही उसने घर वालों की बातों से छुटकारा हासिल कर लिया। फिर रमा के साथ वो सैर के बहाने बाहर निकल आया। एक स्टोर से दोनों ने बोतलें पी। यहाँ से खान ने एहतियातन एक और फोन किसी गोपीनाथ की तरफ से अपने होटल को कर
कर दिया और अपने लिए पैगाम भी लिखवा दिया। रास्ते में दोनों ने ज्यादा गुफ्तगू रजनी के मुतालिक ही की थी। रमा ने उसे बताया रजनी उसके बचपन की वाहिद दोस्त है। उसका बाप भी रेलों में ऑफिसर था। रजनी की बहन को कुछ गुंडे उठा कर ले गए थे जिन्होंने उससे ज्यादती की और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे जान से भी मार डाला। रजनी उन दिनों हाई स्कूल में पढ़ती थी, तब से उसके अंदर बड़ी अजीब तब्दीली पैदा हो गई। रमा बोली, चुपचाप रहने वाली रजनी अब झुंझलाहट और गुस्से का शिकार रहने लगी थी। उसके अंदर लाशौरी तौर पर एक इंतकाम परवरिश पा रहा था और वो उन गुंडों को मार डालना चाहती थी जिन्होंने उसकी मासूम बहन को मार डाला था। रजनी का कोई भाई नहीं था, सिर्फ एक बहन और थी। गुंडे बारसूख थे, मामूली सी सजा के बाद जेल से रिहा हो गए। और उसकी लंबी चौड़ी तकरीर का खान पर क्या असर हुआ है ये टटोलने के लिए वो बोली, पागल है, मैंने तो उसे कहा है कि सब कुछ भूल जाओ लेकिन नहीं भूलती। और कुमार जी, मेरा मन कहता है कि उसने ये नौकरी भी इस आतिश इंतकाम को ठंडा करने के लिए इख्तियार की है, वरना तो वो अंदर से एक आर्टिस्ट है, मुकम्मल आर्टिस्ट। खान ने कहा, बहुत बहादुर लड़की है। रमा मुस्कुराई, अभी से मुतासिर होने लगे आप उससे? खान ने कहा, तुमसे मिलने के बाद कोई किसी और से मुतासिर हो सकता है क्या? खान ने बड़ी बेबाकी से उसकी आंखों में झांका जहां एक पुरसरार सी मतनातीसियत घर किए हुए थी। रमा की आंखों में उसे धनक के सारे ही रंग बिखरे दिखाई दे रहे थे। वाकई इन आंखों का सहर सर चढ़कर बोलता था। रजनी की बहुत बड़ी कमजोरी उसकी समझ में आ रही थी और वो ये भी जान गया था कि ये लड़की रॉ के ट्रेनिंग स्कूल में तरबियत हासिल कर रही है। वो सोचने लगा ये लड़की उसके लिए बहुत कारामद साबित हो सकती है, उसके जरिए उसे रॉ पर नकब लगानी थी। दोनों काफी देर तक रजनी के मुतालिक बातें करते रहे। खान को बखूबी अंदाजा हो गया था कि रमा उसकी गहरी दोस्त है और उसके दुख को भी खूब महसूस करती है। फिलवक्त इस बात के इम्कानात बहुत कम थे कि रजनी खान का माजी जानने के मुतालिक मुतजस्सिस होती या उसके जहन में कोई शक सर उठाता। इसके बावजूद उसने खतरे के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया था और किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए वो जहनी तौर पर तैयार था। वापसी पर जब रमा ने उससे अपने मुस्तकबिल की बातें शुरू की तो उसने एक ही ख्वाहिश का इजहार किया था कि पहले वो कम अज कम मास्टर डिग्री हासिल कर ले, उसके बाद शादी का सोचेंगे। उसने रमा को एहसास दिलाया कि वो उसके साथ उसके घर में ही तो रहता है और शादी के बाद भी वो लोग उसके वालिदैन के साथ ही रहेंगे, इसलिए कम अज कम इस मसले पर परेशान होने की जरूरत नहीं थी। रात हसबे मामूल देर तक वो आपस में बातें करते रहे। बाकी घर वाले तो उनका इंतजार करते करते सो चुके थे। अगले रोज छुट्टी थी और उन लोगों ने जमुना किनारे तफरी के लिए जाना था। यूं भी खान ने उससे कह दिया था कि उसने दिल्ली इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा देखा है। प्रोग्राम यही तय पाया था कि वो लोग सुबह नाश्ते के बाद रवाना होंगे और शाम ढले घर लौट आएंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।